नमस्कार, दी डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुनिया में भारतीय खेलों का डंका बजाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बड़ी पहल की है। आईआईटी मुंबई के सहयोग से ये मंत्रालय गेमिंग सेंटर बनाने जा रहा है। ये सेंटर खेलों के विकास के लिए कई अहम योजनाएं और कोर्स चलाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को एक गेम डिजाइनिंग कंपटीशन के प्रतिभागियों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए ये अहम जानकारी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत खेलों का एक ऐतिहासिक केंद्र है। भारतीय खेलों की दुनिया अद्भुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक प्रमुख खेल निर्माता देश बनाने की सोची है। भारत को एक प्रमुख खेल निर्माता बनाने के लिए पीएम मोदी का संकल्प ये दिखाता है कि वह देश के लिए कितने दूर तक की सोच रखते हैं। इनके इस सपने को हर भारतीय नागरिक साकार करेगा। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इसी सिलसिले में आईआईटी मुंबई के सहयोग से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग एक गेमिंग सेंटर बनाने जा रहा है, जहां बीएफएक्स, गेमिंग और एनिमेशन जैसे विषयों पर अलग अलग कोर्स जल्द ही शुरू किए जाएंगे और इसी के साथ साथ एक सेंटर भी बनाया जाएगा, जहां से खेलों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जाएंगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि भारत के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास के कई तरह के खिलौनों के बारे में बताया गया है। भारत की सांस्कृतिक विरासत का पुनरुत्थान होगा और पूरी दुनिया में भारतीय खिलौनों का डंका बजेगा। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक उपकरणों जैसे कि मोबाइल फोन से खेले जाने वाले खेलों में हिंसा, क्रूरता और घृणा जैसे भाव हैं, जिससे बच्चों में कई तरह की भावनाएं पैदा होने की संभावनाएं हैं और बच्चों के कोमल और प्रभावशाली मन पर गलत छाप छोड़ने की क्षमता रखते हैं। इसकी जगह हम बीएफएक्स और अन्य आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से भारतीय मूल्य पर आधारित वीडियो गेम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय मूल्य मानवता के मूल्य हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिमी बंगाल में चुनावों की औपचारिक घोषणा के साथ ही राजनीतिक पारा भी उफान पर पहुंच गया है। देखा जाए तो चुनाव किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होते हैं। सैद्धांतिक रूप से तो चुनावों को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की नींव को मजबूत प्रदान करता है, लेकिन जब इन्हीं चुनावों के दौरान हिंसक घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें लोगों की जान तक दांव पर लग जाती है, तो प्रश्न केवल कानूनी व्यवस्था पर ही नहीं लगता बल्कि लोकतंत्र भी घायल होता है। वैसे तो पश्चिमी बंगाल में चुनावों के दौरान हिंसा का इतिहास काफी पुराना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े इस बात के तथ्यात्मक तरीके से प्रमाणित भी करते हैं। उनके अनुसार 2016 में बंगाल में राजनीतिक हिंसा की 91 घटनाएं हुई, जिसमें 206 लोग इसके शिकार हुए। इससे पहले 2015 में राजनीतिक हिंसा की 131 घटनाएं दर्ज की गई, जिनके शिकार 184 लोग हुए थे। वहीं गृह मंत्रालय के ताजा आंकड़ों की बात करें तो 2017 में बंगाल में 509 राजनीतिक हिंसा की घटनाएं हुई थी और 2018 में ये आंकड़ा 1035 तक पहुंच गया था। इससे पहले 1997 में वाम दल की सरकार के गृह मंत्री बुद्धवेद भट्टाचार्य ने बकायदा विधानसभा में ये जानकारी दी थी कि वर्ष 1977 से 1996 तक पश्चिमी बंगाल में 28,000 लोग राजनीतिक हिंसा में मारे गए थे। निसंदेह ये आंकड़े पश्चिमी बंगाल की राजनीति का सिद्ध चेहरा प्रस्तुत करते हैं। पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिमी बंगाल का रक्त रंजित इतिहास उनकी सोनार बंगला की छवि, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिमचंद चट्टोपाध्याय जैसी महान विभूतियों की देन है, उसे भी धूमिल कर रहा है। बंगाल की राजनीति वर्तमान में शायद इसके इतिहास से सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है, जहां वाम दलों की रक्त रंजित राजनीति को उखाड़ कर एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत के नाम पर जो तृणमूल सत्ता में आई थी, आज सत्ता बचाने के लिए खुद उस पर रक्त प्यापासू राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। हाल के लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ने के साथ ही राज्य में हिंसा के ये आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो भाजपा के विभिन्न रोड शो के दौरान हिंसा की घटनाएं हो, या उनकी परिवर्तन यात्रा को रोकने की कोशिश हो, या फिर जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव हो, यही कारण है कि चुनाव आयुक्त को कहना पड़ा कि बंगाल में जो परिस्थितियां बन रही हैं, उससे यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करना
चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव आयोग इस बार 2019 के लोकसभा चुनावों की अपेक्षा 25% अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करने पर विचार कर रहा है, लेकिन इस चुनावी मौसम में बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य पर घोटालों के बादल भी उभरने लगे हैं, जो कितना बरसेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वर्तमान में इनकी गर्जना तो देश भर में सुनाई दे रही है। दरअसल केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राज्य में कोयला चोरी और अवैध खनन के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा बनर्जी और उनकी साली को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। इसके कुछ दिन पहले शारदा चिट फंड घोटाला, जिसमें देश के पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम और खुद पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री पर आरोप लगे थे, इस मामले में सीबीआई ने दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की थी, जिसके अनुसार बंगाल के मुख्यमंत्री राहत कोष से तारा टीवी को नियमित रूप से 23 महीने तक भुगतान किया गया। कथित तौर पर यह राशि मीडिया कर्मियों के वेतन के भुगतान के लिए दी गई। गौरतलब है कि जांच के दौरान तारा टीवी के शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा होने के बात सामने आई थी। सीबीआई का कहना है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री राहत कोष से तारा टीवी कर्मचारी कल्याण संघ को कुल 6.21 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। इससे कुछ समय पहले, या यूं कहा जाए कि 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले भी, इसी शारदा घोटाले की जांच को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार आमने सामने थी। वैसे भारत जैसे देश में घोटाले होना कोई नई बात नहीं है, और ना ही चुनावी मौसम में घोटाले के पिटारे खुलना। ऐसे संयोग इस देश के आम आदमी ने पहले भी देखे हैं, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा के जमीन और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले हो, या फिर सोनिया गांधी और कांग्रेस नेताओं के नेशनल हेराल्ड जैसे केस हो, या यूपी में अवैध खनन के मामले में अखिलेश यादव, और या फिर स्मारक घोटाले में मायावती पर ईडी की कार्यवाही। अधिकांश संयोग कुछ ऐसा ही बना कि चुनावी मौसम में ही ये सामने आते हैं और फिर 5 साल के लिए लुप्त हो जाते हैं। देश की राजनीति अब इस दौर से गुजर रही है जब देश के आम आदमी को ये महसूस होने लगा है कि हिंसा और घोटाले चुनावी हथियार बनकर रह गए हैं, और उनके पास इसमें से किसी का भी मुकाबला करने का सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि जब तक तय समय सीमा के भीतर निष्पक्ष जांच के द्वारा इन घोटालों के बादलों पर से पर्दा नहीं उठता, वो केवल चुनावों के दौरान विपक्षी दल की हिंसा के प्रति उत्तर में गरजने के लिए सामने आते रहेंगे। बंगाल हो या बिहार या फिर कोई अन्य राज्य, अगर बंगाल की ही बात करें तो एक तरफ चुनावों से पहले सामने आने वाले घोटालों से राज्य की मुख्यमंत्री और उनका कुनबा सवालों के घेरे में है, वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वहां सत्तारूढ़ दल द्वारा सत्ता बचाने और भाजपा द्वारा सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से दोनों दलों के बीच होने वाली राजनीतिक हिंसा के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सत्ता बचाने और हासिल करने के इस उठापटक के बीच राजनीतिक दलों को ये समझ लेना चाहिए कि आज का वोटर इतना नासमझ भी नहीं है जो इन घोटाले और हिंसा के बीच की रेखाओं को ना पढ़ सके। खास तौर पर तब जब इन परिस्थितियों में चुनाव के दौरान बोले जाने वाले आर नोई अन्याय और नहीं अन्याय, या फिर कृष्ण कृष्ण हरे हरे पद्म कमल फूल खिले घरे घरे, या बंगला निजेर मैं कई चाय, बंगाल अपनी बेटी को चाहता है जैसे शब्द कभी नारों की दहलीज पार करके यथार्थ में परिवर्तित नहीं होते। इसलिए लोकतंत्र तो सही मायने में तभी मजबूत होगा जब चुनावी मौसम में घोटाले सिर्फ सामने ही नहीं आएंगे, बल्कि इससे असली दोषी सजा भी पाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में पिछले 1 साल से लॉकडाउन की गाइडलाइंस के नाम पर अधिकांश अखबार मालिक और निजी कंपनियां तथा फैक्ट्री संचालक अपने अपने कर्मचारियों की सैलरी का कटौती कर रहे हैं, और कर्मचारियों को 15 दिन ही काम पर बुलाया जा रहा है। अधिकांश जगह कर्मचारियों को पिछले 1 साल से ना के बराबर वेतन दिया जा रहा है या 15 दिन का वेतन दिया जा रहा है। अधिकांश अखबारों में मीडिया कर्मी परेशान है। इस बारे में अखबार मालिक, फैक्ट्री संचालक या निजी संस्थान मालिकों से जब भी कोई वर्कर कुछ पूछने जाता है तो वह कहते हैं उनके पास सरकार का आदेश है कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ 50% कर्मचारियों
से ही काम लेना और उन कर्मचारियों को जितने दिन वह काम करेंगे उतने दिन का ही वेतन देना है, ऐसा सरकारी आदेश है। मगर प्रबंधन द्वारा आदेश की कॉपी किसी कर्मचारी को दिखाई नहीं जाती है। महाराष्ट्र में निजी संस्थानों अखबारों के अधिकांश कर्मचारियों के हो रहे आर्थिक शोषण पर मुंबई के पत्रकार और आरटीआई एक्सपर्ट शशिकांत सिंह ने महाराष्ट्र के कामगार आयुक्त कार्यालय में एक आरटीआई लगाकर 6 जनवरी 2021 को एक जानकारी मांगी कि क्या महाराष्ट्र सरकार या केंद्र सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है जिसमें निजी कंपनियों के कर्मचारियों को महीने में सिर्फ 15 दिन का कार्य करना है और 15 दिन का वेतन ही कर्मचारियों को दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई जीआर या आदेश हो तो उनको प्रमाणित प्रति दे। आरटीआई से मांगी गई इस सूचना पर 3 फरवरी 2021 को महाराष्ट्र शासन के कामगार आयुक्त कार्यालय की राज्य जन माहिती अधिकारी तथा सरकारी कामगार अधिकारी मुंबई श्रीमती सविता राज धोत्रे ने लिखित रूप से सूचना उपलब्ध कराई है कि उसकी उक्त मांगी गई सूचना अधिकार के आवेदन के बाद इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल की गई। आप द्वारा मांगी गई जानकारी से संबंधित कोई भी अभिलेख नहीं मिला है, इसलिए हम आप द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दे रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा कोई अभिलेख नहीं है। श्रीमती धोत्रे ने इस सूचना के बाद 12 फरवरी 2021 को शशिकांत सिंह द्वारा लगाई गई एक अन्य आरटीआई के जवाब में जानकारी उपलब्ध कराई है कि आप द्वारा लॉकडाउन की अवधि में निजी संस्थानों में कर्मचारियों की 50% उपस्थिति के बारे में शासन के निर्णय के प्रति देने का निवेदन किया गया है। इस बारे में ये कहना कि लॉकडाउन में केंद्र सरकार के गृह विभाग के माध्यम से लॉकडाउन के संबंध में अलग अलग आदेश निर्गमित किए गए हैं। इस आदेश के आधार पर मुख्य सचिव उन उन राज्यों को आदेश निर्गमित करते हैं। इसके बाद संबंधित जिलाधिकारी आपत्ति व्यवस्थापन कानून 2005 के तहत आदेश निर्गमित करते हैं। कामगार विभाग के माध्यम से प्रादुर्भाव काल में कारखानों के कामगारों की 50% उपस्थिति बाबत कोई भी शासन निर्णय आदेश निर्गमित नहीं किया गया है। महाराष्ट्र शासन के कामगार आयुक्त कार्यालय की राज्य जन माहिती अधिकारी तथा सरकारी कामगार अधिकारी मुंबई श्रीमती सविता राज धोत्रे के ये दूसरी सूचना लिखित रूप में 23 फरवरी 2021 को उपलब्ध कराई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मजीठिया बैज बोर्ड देने से बचने के लिए अखबार घराने 20 जे को हथियार बना लेते थे। इसके आधार पर वे कहते थे कि उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी ने लिखकर दे दिया है कि उससे समुचित सैलरी व लाभ मिल रहा है, पर अब ये बहाना नहीं चलेगा। राजस्थान पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड की कर्मचारी जूही गुप्ता के मामले में पत्रिका ग्रुप को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के मुंह की खानी पड़ी है। अब उस 20 जे की डिक्लेरेशन का कोई महत्व नहीं बचा है जिसके आधार पर मीडिया संस्थान पत्रकारों का हक दाबे बैठे थे। कई मीडिया कर्मियों ने इस ऑर्डर की कॉपी अपलोड करने के लिए कहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैंसर कोरोना से घिरे और पग पग पर रोग भरे जीवन में मीडिया वालों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। हर पांचवें शख्स को कैंसर है। अगर हम आप बचे हैं तो मान कर चलिए आगे कभी भी इस लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। वैक्सीन के बावजूद इस काल के हमलावर ना होने की कोई गारंटी नहीं। जीवन शैली और खान पान से उपजे हाई बीपी, शुगर, हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी, पेट के ढेरों रोग धावा बोलते रहते हैं या दबोचने की फिराक में है। इस हालात को सबसे पहले खुद का, क्योंकि घर का कमाऊ और मुखिया होने के नाते आपका सेफ रहना सबसे ज्यादा व सबसे पहले जरूरी है। हेल्थ बीमा करा लेना जरूरी है। ज्यादा अच्छा हो कि आपकी पत्नी बच्चों का भी बीमा करा ले, इकट्ठा ही। मैंने 45 साल की उम्र तक कोई हेल्थ बीमा नहीं लिया, लेकिन भड़ास चलाते हुए मीडिया के साथियों के गंभीर रूप से बीमार होने और इलाज के लिए चंदा जुटाने की खबरें छापते छापते लगने लगा कि दारू, गुटखा, कोल्ड ड्रिंक, रेस्टोरेंट, टूरिज्म के मद में हो रहे व्यय में अगर थोड़ी सी कटौती कर लूं, थोड़ा सा अनुशासित हो जाऊं तो हेल्थ बीमा पूरे परिवार का करा सकता हूं और इसे जारी रख सकता हूं।
इस तरह मुझे पूरे परिवार समेत हेल्थ बीमा लिए हुए 6 महीने हो गए हैं। संयोग से जिस बीमा कंपनी से बीमा लिया वहां जुड़े एक मित्र ने मुझे वहां उसी कंपनी में एजेंट भी बनवा दिया। वहां प्रोफेशनल लैंग्वेज में हेल्थ प्लान्स बोलते हैं। मैंने कहा कि अपने तो ये काम कर ना पाएंगे, भड़ास से ही वक्त नहीं बचता। उनका जवाब था कि आप बस अपने से जुड़े लोगों को प्रेरित कर दीजिए, आपकी एजेंटी चलने पर बीमा खुद ब खुद हो जाएगा। हुआ यही, हेल्थ बीमा लेते हुए 2-4 पोस्ट यहाँ क्या फेसबुक पर रख दिए, दर्जनों लोगों ने बीमा करा लिया। मतलब साल भर में काम की 1 हफ्ते के भीतर ही छुट्टी कर दी। इधर बीच कई पत्रकार साथियों को कैंसर होने की खबरें भड़ास पर प्रकाशित की, इसके लिए चंदा भी जुटाया गया। उस वक्त सोचता रहा कि ऐसा क्यों नहीं है कि जो समझदार मीडिया कर्मी है, जो किसी अखबार से सब एडिटर या उससे ऊपर के पदों पर है, किसी चैनल में प्रोड्यूसर या उससे ऊपर के पदों पर है, किसी डिजिटल माध्यम में 20-25 हजार रुपए महीने सैलरी पा रहे हैं, वह हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते। नौकरी की असुरक्षा और लंबे वर्किंग आवर्स के बीच काम करते हुए ये मीडिया कर्मी दिन प्रतिदिन अपनी सेहत चौपट करते रहते हैं। जवानी के गर्म खून और तत्काल में जीने की आदत के कारण उन्हें एहसास ही नहीं होता कि भविष्य में कभी भी अस्पताल जाना पड़ जाएगा तो क्या होगा। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है। मेरे इस लिखने का आश्रय बस इतना है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचना शुरू कर दें। ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लें जिसमें साल में फुल बॉडी चेकअप फ्री हो, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होते ही एक कार्ड दिखाते ही सारा इलाज कैशलेस और फ्री हो। हेल्थ इंश्योरेंस से बहुत कुछ शर्तें भी होती हैं जिन्हें शुरू से ही जान लेना जरूरी होता है। हेल्थ बीमा लेने के समय अगर कोई रोग आपके शरीर में पल रहा है और वह स्टेप 2 या 3 या 4 तक पहुंच गया है तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा। वही लगातार 2 बरस तक हेल्थ इंश्योरेंस जारी रखने के बाद हर किस्म की बीमारी कवर हो जाती है, इसलिए आज अगर कोई रोग नहीं है तो हेल्थ बीमा लेने में ज्यादा समझदारी है। कई लोगों को उनकी कंपनियां हेल्थ कवर देती है, उन्हें चाहिए कि वह अलग से भी अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस रखें। हेल्थ फील्ड के लिए समझदारी और एडवांस प्लानिंग जरूरी है। यशवंत, एडिटर, भड़ास फॉर मीडिया.com। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साहित्य भारतीय भाषाओं में लिखा गया हो या भारतीय भूमि में या भारतीय संवेदनाओं के साथ लिखा गया हो, उसे भारतीय साहित्य के अंतर्गत परिगणित किया जाना चाहिए। भारतीय साहित्य को समझने के लिए भारत को समझना आवश्यक है। भारत एक नक्शा नहीं, संस्कृति है। अर्थात भारत को एक भौगोलिक क्षेत्र के बजाय सांस्कृतिक क्षेत्र की तरह देखा जाना चाहिए। हिंदू कॉलेज के हिंदी विभाग की हिंदी साहित्य सभा द्वारा आयोजित ऑनलाइन व्याख्यान में सुप्रसिद्ध आलोचक और इग्नू के समकुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने उक्त विचार व्यक्त किए। उन्होंने भारतीय संस्कृति की अवधारणा विषय पर बोलते हुए कहा कि भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा गुण लोकतांत्रिक होना है। भारतीय साहित्य जन जन का विश्वास ग्रहण करता है, उसमें एक वर्ग या समुदाय का नहीं बल्कि समस्त समाज का चित्रण मिलता है। इससे पूर्व उन्होंने बल्गेरिया विश्वविद्यालय के अपने अनुभव को एक कहानी के रूप में साझा करते हुए कहा कि साहित्य को राष्ट्रीयता के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। साहित्य मानवतावाद, वैश्विकता और वसुदेव कुटुंबकम की विराट अभिव्यक्ति है। उनके अनुसार भारतीय साहित्य एक ही है जो उनके भाषाओं में लिखा गया जाता है, किंतु कुछ आलोचकों द्वारा भारतीय संस्कृति को अनेक कहना भारतीय संस्कृति और उनकी भारतीयता को कमजोर करने का प्रयास है। भारत में हजारों जातियां, संस्कृतियां, सभ्यताएं, धारणाएं और भाषाएं हैं। नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उसमें जो भाषा की विविधता है और विद्यालयी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने की बात बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की संकल्पना राजनीतिक या भौगोलिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक है, और भारतीय साहित्य को समझने से पूर्व इस सांस्कृतिक संकल्पना को समझना जरूरी है। अपनी बात स्पष्ट करने के लिए उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए संजय द्वारा व्यक्त भारत की परिभाषा उद्धृत करते हुए कहा कि भारतीय साहित्य एक है और विविधताओं के साथ है।
क्योंकि हम उन विविधताओं के बीच ही जीते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर का कथन अद्वित करते हुए उन्होंने भारतीयों के आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिक होने पर बल दिया। प्राचीन काल में साहित्य, दर्शन, कला और विज्ञान में कोई फर्क नहीं रहा। इन सभी क्षेत्रों में होने वाली संरचनाएं हमारे भौतिक होने का प्रमाण है। भारतीय साहित्य मनुष्यता की खोज है। साहित्य के इतिहास की बात करते हुए उन्होंने भक्ति काल के साहित्य को जन साहित्य कहा है, जो आध्यात्मिकता, भौतिकता तथा सामूहिक भावना को सुंदर व्यक्त करता है। प्रोफेसर सत्यकाम ने मिजो कविता में के पाठ से अपने व्याख्यान का समापन किया, जिसका हाल ही में उन्होंने अनुवाद किया था। प्रश्नोत्तरी सत्र में दक्षिणी भारत हिंदी के प्रति उत्कट विरोध भारतीय एकता की पुष्टि पर सवाल उठाते हैं को महत्वपूर्ण प्रश्न मानते हुए उन्होंने कहा, तमिल सबसे प्राचीन भाषा है और भारत की संकल्पना राजनीतिक या भौगोलिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक है, और भारतीय साहित्य को समझने से पूर्व इस सांस्कृतिक संकल्पना को समझना जरूरी है। अपनी बात स्पष्ट करने के लिए उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए संजय द्वारा व्यक्त भारत की परिभाषा उद्धृत करते हुए कहा कि भारतीय साहित्य एक है और विविधताओं के साथ है, क्योंकि हम उन विविधताओं के बीच ही जीते हैं। रविंद्रनाथ का ठाकुर का कथन अद्वित करते हुए उन्होंने भारतीयों के आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिक होने पर बल दिया। प्राचीन काल से साहित्य, दर्शन, कला और विज्ञान में कोई फर्क नहीं रहा। इन सभी क्षेत्रों में होने वाली रचनाएं हमारे भौतिक होने का प्रमाण है। भारतीय साहित्य मनुष्यता की खोज है। साहित्य के इतिहास पर बात करते हुए उन्होंने भक्ति काल के साहित्य को जन साहित्य कहा है, जो आध्यात्मिकता, भौतिकता तथा सामूहिक भावना को सुंदर व्यक्त करता है। प्रोफेसर सत्यकाम ने मिजो कविता के पाठ में अपने व्याख्यान का समापन किया, जिसका हाल ही में उन्होंने अनुवाद किया था। प्रश्नोत्तरी सत्र में दक्षिण भारत हिंदी के प्रति उत्कट विरोध भारतीय एकता की पुष्टि पर सवाल उठाते हैं को महत्वपूर्ण प्रश्न मानते हुए उन्होंने कहा, तमिल सबसे प्राचीन भाषा है और भारत की कोई भी भाषा कमतर नहीं है। विरोध केवल राजनीतिक है, उनका कोई भी सामाजिक या सांस्कृतिक संदर्भ नहीं है, लेकिन हिंदी वालों को तमिल साहित्य पढ़ना लिखना चाहिए और उनके मनोविज्ञान को समझने की भी जरूरत है, और तो इसमें भी हिंदी के प्रति सद्भावना उत्पन्न होती। सभी प्रश्नों के विस्तार से उत्तर देते हुए उन्होंने विद्यार्थियों के मन में उत्पन्न जिज्ञासाएं शांत की। इस सत्र का संयोजन साहित्य सभा की उपाध्यक्ष गायत्री द्वारा किया गया। वेबिनार के प्रारंभ में विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर विमलेंद्र तीर्थकर ने प्रोफेसर सत्यकाम का स्वागत करते हुए उनके व्यक्तित्व की सरलता और सहजता को रेखांकित किया। उन्होंने प्रेमचंद द्वारा हिंदी साहित्य सभा की प्रथम अध्यक्षता को याद करते हुए उसके गौरवशाली इतिहास से भी श्रोताओं का परिचय कराया। प्राध्यापक नौशाद अली ने वक्ता का परिचय देते हुए उनके नव परिवर्तन शैक्षणिक व्याख्यानों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने की सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डाला। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए विभाग प्रभारी डॉक्टर पल्लव ने कहा कि ऐसे व्याख्यान न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि प्राध्यापकों एवं सामान्य पाठकों के लिए भी लाभदायक है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सभी साहित्य प्रेमियों का आभार व्यक्त किया। आयोजन का संयोजन प्राध्यापक डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने किया। वेबिनार के विभाग के वरिष्ठ अध्यापकों डॉक्टर अभय रंजन, डॉक्टर हरिंद्र कुमार सहित अन्य विद्यार्थियों, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, शोधार्थी और छात्र भी उपस्थित थे। दिशा ग्रोवार, हिंदी साहित्य सभा, हिंदू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 110007। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगले महीने 93 एकेडमिक अवार्ड का ऐलान होना है। इससे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड के विजेताओं के नाम सामने आ गए हैं। इस काल की वजह से 78वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड का ऐलान वर्चुअल तरीके से हुआ। शो को टीना फे और एमी फोलर होस्ट कर रही हैं। विजेताओं की लिस्ट में इस बार वेब सीरीज दी क्राउन ने बाजी मारी है। तो चलिए बताते हैं कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 के विजेताओं की लिस्ट। डैनियल कलुया बेस्ट परफॉर्मेंस सपोर्टिंग रोल, जुडास एंड ब्लैक मसीहा, जॉन बेयोगा टीवी के बेस्ट परफॉर्मेंस सपोर्टिंग अभिनेता, स्मॉल एक्स,
कैथरीन ओहारा टीवी सीरीज के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस अभिनेत्री म्यूजिकल या कॉमेडी शीट्स क्रिक। सोल बेस्ट मोशन फीचर एनिमेटेड। मार्क रफोला बेस्ट परफॉर्मेंस अभिनेता लिमिटेड सीरीज एथोलॉजी सीरीज। आई नो दिस मच इज टू ट्रू। एमा कोरिन टीवी सीरीज के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस अभिनेत्री ड्रामा दी क्राउन। डीएन बोरेन लॉरा पेसिनी और निकोलो एग्लियार्डी सीन के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। दी लाइफ अहेड ट्रेट रेजनोर एक्टिक्स रोज जॉन वेस्टीज बेस्ट ओरिजिनल साउंड स्कोर। सोल जेसन जेसन स्यूडेकिस टीवी सीरीज के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस अभिनेता म्यूजिकल या कॉमेडी। टेंड लासो शीट्स क्रिक बेस्ट टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल या कॉमेडी। रोजामुंड पाइक बेस्ट एक्ट्रेस आई केयर अ लॉट। जॉश ओकोनर बेस्ट टीवी एक्टर ड्रामा द क्राउन। मिनारी बेस्ट मोशन फीचर फॉरेन लैंग्वेज द क्राउन बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा। जोड़ी फर्रा बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस मोशन फीचर दी मोरिटोनियल। गिलन एडरसन बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स दी क्राउन। आन्या टेलर जॉय लिमिटेड सीरीज एथोलॉजी सीरीज या टीवी के लिए मोशन फीचर दी क्वींस गैम्बिट। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई की मार ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। दिल्ली में एक बार फिर सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है। 1 मार्च यानी आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब 14.2 किलोग्राम की सिलेंडर की कीमत 794 से 819 रुपए की हो गई है। इससे पहले 25 फरवरी को एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हुआ था। इधर कोलकाता में सब्सिडी और कमर्शियल दोनों ही गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है। सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब नई कीमत 845.50 रुपए हो गई है। सभार डॉक्टर नीलम महेंद्र फड़ास फॉर मीडिया डेली हंट डेली होप धन्यवाद डीडॉन एक्सप्रेस।